नमस्कार दोस्तों, हमने पिछली क्लास में बात करी थी मारवाड़ का इतिहास चल रहा था और मारवाड़ के इतिहास में हमने चर्चा करी थी राव गंगा की। और राव गंगा के बारे में हमने चर्चा करी थी कि राव मालदेव ने क्या किया कि नशे में बैठे हुए थे खिड़की में राव गंगा जी, और बैठे थे तो मालदेव आता है और मालदेव उसको धक्का दे देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। 9 मई 1532 के दिन क्या हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब 9 मई 1532 के दिन उसकी मृत्यु हो गई तो उसका पुत्र शासक बनेगा और पुत्र का नाम क्या है, राव मालदेव। राव मालदेव था। अब राव मालदेव का जो शासन काल रहा है, हम मारवाड़ के इतिहास में बात कर रहे हैं, राव मालदेव आज हमारा टॉपिक रहेगा, तो इसका जो शासन काल रहा है 1532 पिता की मृत्यु के बाद में रहा है और 1562 तक रहा है। कब तक रहा है, 1562 तक रहा है। राव मालदेव की बात करते हैं कि भाई इनके पिताजी का नाम क्या हुआ करता था, तो राव मालदेव के पिताजी का नाम था राव गंगा, और राव गंगा था। इनके माताजी का नाम था और माता थी क्या, माणक दे। क्या नाम था, माणक दे। इनकी माताजी का नाम माणक दे हुआ करता था, है ना। इसके बाद में बात करते हैं कि इनका जो जन्म हुआ, क्या हुआ इनका जन्म, तो जन्म हुआ था 5 दिसंबर और 1511 ईस्वी को जन्म हुआ इनका। 5 दिसंबर 1511 ईस्वी को जन्म हुआ। राव मालदेव की जो पिता हुआ करते थे राव गंगा जी, उनकी हो जाती है मृत्यु, हत्या कर देते हैं राव गंगा की, कौन, राव मालदेव, और हत्या कर दी जाती है। तो वो कब हो गई थी, तो ध्यान रखना 9 मई 1532 को ही। और साथ साथ ये याद रखना कि इसका राज्याभिषेक कब हुआ, राज्याभिषेक, और राज्याभिषेक हुआ इनका 21 मई, 21 मई 1532 को, 21 मई 1532 को राज्याभिषेक हो गया। और इधर से बात करते हैं, आपसे पूछेगा कि राज्याभिषेक कहाँ हुआ, इसका पूछा भी गया है, तो सोजत पाली में हुआ। कहाँ पर हुआ, सोजत पाली में इनका राज्याभिषेक हुआ। ठीक है साहब, राज्याभिषेक हुआ। इसके बाद में इसके कुछ आपको क्या मिलेंगे, उपनाम मिलेंगे। क्या मिलेंगे, उपनाम। एक उपनाम की बात करते हैं, तो सबसे पहली बात ये बात याद रखनी है, अपने पिता की मृत्यु, इसने हत्या की थी, जब पिता की हत्या की तो इस नाम से भी इसको जाना जाता है, मारवाड़ का पितृहंता। मारवाड़ का क्या था, मारवाड़ का प्रथम पितृहंता, पितृहंता ये था। इसके बाद में दूसरा नाम जाना जाता है 52 युद्धों का विजेता। 52 युद्धों का क्या कहा जाता है, इसे विजेता कहा जाता है। 52 युद्धों का विजेता किसको कहा जाता है, तो राव मालदेव जी को 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। और बात करते हैं, और क्या चर्चा है इसके बारे में, है ना, और उपनामों में बात कर रहे हैं, और उपनाम चल रहे हैं अभी, इसके उपनामों में बात करते हैं, उपनाम चल रहे हैं, है ना। इधर इसको कहा जाता है शक्तिशाली शासक। क्या कहा जाता है, शक्तिशाली शासक। और शक्तिशाली शासक कहने वाला कौन था इसको, तो शक्तिशाली शासक कहने वाला था इसको फरिश्ता। कौन कहता है, फरिश्ता कहा कहता है इसको, है ना। इसके बाद में बात करते हैं कि भाई साहब इसको महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा जाता है, महान पुरुषार्थी राजकुमार, पुरुषार्थी राजकुमार, राजकुमार। इसको कौन कहता है, ये बदायूनी कहता है, बदायूनी। बदायूनी जी क्या कहते हैं भाई साहब, ये कहते हैं कि महान पुरुषार्थी राजकुमार था ये, है ना, याद रख लेना। साथ साथ शक्तिशाली हो गया, महान पुरुषार्थी हो गया, है ना, ये बातें भी साथ साथ याद रख लेनी आपको। इसके बाद में बात करते हैं कि भाई जो ये हुआ करते थे, तो इन्होंने सबसे पहले प्रथम अभियान जो किया था, प्रथम अभियान कौन सा किया था, जब ये शासक बने, तो शासक बनने के बाद इनका जो पहला अभियान रहा, यूं तो हम बात करते हैं कि खानवा के युद्ध में ये भाग लेने के लिए गए थे, राव गंगा उस टाइम पर शासक हुआ करते थे, 17 मार्च 1527 को वहाँ पर युद्ध लड़ा है और सांगा जी को बचाया भी है, बचा करके बसवा दौसा ले गए, बसवा दौसा में उनका इलाज हुआ, है ना। ये बात जब हमने मेवाड़ पढ़ेंगे उसमें चर्चा करेंगे। तो प्रथम अभियान जब राजा बने उसके बाद में रहा प्रथम अभियान, तो प्रथम अभियान इनका रहा है वो रहा है भद्राजून। भद्राजून पर आक्रमण किया इन्होंने, और कब आक्रमण किया भद्राजून पर, तो 1532 ईस्वी में। अब भद्राजून का जो शासक था, है ना, तो अब ऐसे लिख सकते हैं कि किस किस के बीच में हुआ, तो यहाँ पर ये है राव मालदेव एक साइड में, तो कौन हो गए, राव मालदेव, और
भद्राजुन का शासक हुआ करता था बीरा। कौन हुआ करता था? बीरा। बीरा को इन्होंने मारा। किसने मार दिया? राव मालदेव ने। जीत किसकी हो गई? राव मालदेव की, है ना। और भद्राजुन को अपने कब्जे में ले लिया, अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। प्रथम अभियान आपसे पूछता है तो ये हो गया। इसके बाद में बात करते हैं कि भाई साहब एक युद्ध और हुआ। अगला युद्ध आता है और अगला युद्ध कब हुआ? 1533 ईस्वी में। हीराबाड़ी के नाम से जाना जाता है उसको। युद्ध हुआ कौन सा? हीराबाड़ी का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? हीराबाड़ी का युद्ध। और हीराबाड़ी का युद्ध कब हुआ? तो वो हुआ था 1533 ईस्वी में। हीराबाड़ी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? तो हीराबाड़ी जो पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? नागौर में पड़ता है। और हीराबाड़ी में जो नागौर जो है, नागौर की बात करें तो नागौर का कौन था? तो नागौर का शासक हुआ करता था दौलत खां। कौन हुआ करता था? दौलत खां। इसका होने का क्या कारण था उसमें भी बात करता हूँ। एक साइड में कौन है? राव मालदेव था। एक साइड में था कौन? राव मालदेव वर्सेस दौलत खां। इसके इसके बीच में हुआ था। ऐसा हुआ था कि इस साइड में या इस जगह पर पड़ता है जालौर। क्या पड़ता है? जालौर। इधर जालौर पड़ता है और ये बढ़ गया क्या? नागौर। क्या पड़ गया? नागौर पड़ गया। इसके बाद क्या हुआ कि जो सॉरी मेड़ता। क्या पड़ता है इधर? मेड़ता। ये मेड़ता। और मेड़ता का जो शासक हुआ करता था वो हुआ करता था बीरम देव। कौन था? बीरम देव मांगलियोत। इधर यहाँ का शासक कौन था? ये दौलत खां। कौन था? दौलत खां। अब दौलत खां का विचार था कि मेड़ता को मैं हड़प लूं। मेड़ता पर अधिकार करने का प्रयास था, है ना, जीतने का प्रयास। कौन करता है? जीतने का प्रयास करता है दौलत खां। अब इस बात की खबर इस बीरम देव ने किसके लिए दे दी? ये मालदेव के लिए दे दी। किसके लिए दे दी? मालदेव के लिए दे दी। अब मालदेव के लिए खबर दी तो फिर इसने क्या किया? मालदेव ने आक्रमण किया किस पर? इसे दौलत खां पर। इसी कौन सी जगह पर? तो हीराबाड़ी। और हीराबाड़ी कहाँ पड़ेगा? नागौर में पड़ेगा। लिखना चाहो तो आप भले साइड में लिख देना, हीराबाड़ी कहाँ पड़ेगा? नागौर में पड़ेगा। नागौर में युद्ध हुआ है। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ और इसमें जीत कौन जाता है? जीत गया राव मालदेव जीत गया, है ना। ये युद्ध हो गया हीराबाड़ी का युद्ध। इसके बाद में फिर क्या हुआ? एक जगह और पड़ती है, उस पर भी बात कर लेते हैं। और वो कौन सी जगह पड़ती है? 1535 में। 1535 में युद्ध होता है। और 1535 में जो युद्ध होता है वो किस किस के बीच में होता है वो देख लीजिए। यह है अजमेर का युद्ध। कौन सा युद्ध है? अजमेर का युद्ध। और कब हुआ? 1535 ईस्वी में हुआ। 1535 ईस्वी में। मैंने आपसे कहा कि भाई ये जो है ये है मेड़ता। ये क्या है? मेड़ता। इधर पड़ता था नागौर। इधर जैसे मैंने पहले हीराबाड़ी का युद्ध कहा था तो हीराबाड़ी में मालदेव जीत जाता है और बीरम देव को क्या? मेड़ता का अधिकार सौंप देता है। बीरम देव ने वो अजमेर पर भी अधिकार करने का प्रयास किया। एक बार मालदेव ने बीरम देव से कहा कि बीरम देव मुझे लौटा दीजिए अजमेर को। उसने मना कर दिया। उसने मना कर दिया तो फिर ये युद्ध करना पड़ा मालदेव को और फिर बीरम देव को हराया यहाँ से, है ना। इधर तो ये है कौन? मालदेव। मालदेव वर्सेस, और वर्सेस कौन आ गया? मेड़ता का कौन था? बीरम देव। बीरम देव, है ना। ये बीरम देव था। बीरम देव, बीरम देव। इधर से इसको सौंपा था मेड़ता को। नागौर पर भी इसने अधिकार कर लिया, अजमेर पर भी अधिकार कर लिया। अजमेर को जैसे ही मालदेव ने मांगा तो इसने मना कर दिया और मालदेव ने आक्रमण किया किसके ऊपर? बीरम देव के ऊपर। और जीत गया युद्ध को। कौन जीत गया? जीत गया राव मालदेव जीत गया। इसके बाद में क्या हुआ? ये घटनाएं, फिर इसके बाद में एक घटना फिर आती है कि 1536 ईस्वी में। और 1536 ईस्वी में क्या होता है कि 1536 ईस्वी में इसकी होती है शादी। और शादी किसके साथ में होती है? इधर आपके जैसलमेर की बात करें तो लूणकर्ण भाटी की एक पुत्री हुआ करती थी उमादेव। 1536, 1536 में। बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से इतिहास को ले रहा हूँ, जहाँ जहाँ जितनी जितनी जानकारी है, जैसे जैसे है ना, सारी जानकारियां आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो 1536 ईस्वी में मालदेव, और मालदेव के संग में कौन आ गई? मालदेव संग। संग मतलब शादी हो रही तो संग ही करेंगे, है ना, वर्षे तो लगाने से रहे। तो मालदेव के संग में कौन आ गई? उमादेव। उमादेव, उन्मादे कहीं लिखा मिल जाए, उमादे मिल जाए, एक ही बात है ना। तो इनकी हो जाती है शादी। और जैसे इनके साथ इनकी शादी हो जाती है तो उमादे के साथ में आती है एक दासी। साथ में आती है क्या? दासी। और दासी भी अपने आप में, नाम तो आपने सुना हो, क्या नाम था इसका?
हार मली है ना, और दासी उन्मादे जो सॉरी भारमली जो हुआ करती थी उन्मादे ने दासी को, जो उन्मादे की दासी हुआ करती थी भारमली, भारमली को भेजा मालदेव को बुलाने के लिए। शादी हो गई है तब की बात है। अब जैसे ही उसको भेजा भारमली को उन्मादे ने, तो क्या किया कि उन्मादे वेट करती रही वेट करती रही वेट करती रही, और सुबह हो गई भारमली लौट करके नहीं आई। अब जैसे ही उन्मादे वहां पर देखने के लिए जाती है, तो देखा इसने, उन्मादे ने क्या देखा, उन्मादे ने देखा कि भारमली और मालदेव जी बैठ करके चाय पी रहे आराम से। इस बात का पता उन्मादे को चल गया और उन्मादे ने कहा कि मालदेव मेरे लायक ही नहीं है ना। मालदेव से कह दिया कि मैं ऐसे राजा के साथ में नहीं रह सकती, और यदि तुम्हें भारमली पसंद है तो फिर मुझे लाए ही क्यों। और उन्मादे रूठ करके चले जाती है। मालदेव से मना करके उन्मादे रूठ कर चली गई, रूठ कर चली गई। और चली कहाँ गई, चली गई तो इसने इंतजाम किया कि भाई कहाँ जाएगी। मालदेव ने तारागढ़ दुर्ग में भेज दिया। कहाँ भेज दिया, तारागढ़ दुर्ग में रहने लगी। और फिर इसके बाद में क्या हुआ, इसने ये काम किया उमादे, इसने राव जोधा ने, राव जोधा, ये थोड़ी सी आगे की घटना है। जब 1544 का युद्ध होगा सुमेल गिरी का, तब वहां से वापस लाने का प्रयास करेंगे। और इसी घटनाक्रम में क्या किया, राव जोधा ने जब शेरशाह सूरी आक्रमण करता है मारवाड़ यानी कि जोधपुर पर आक्रमण करता है, तब की चर्चा है। तो राव जोधा ने आस हुआ करता था ईसरदास, ईसरदास को उमादे को बुलाने के लिए भेजा, उमादे को बुलाने भेजा, इसको बुलाने भेजा है, उमादे को बुलाने भेजा। ईश्वरदास जी मना करके ले भी आए, मना करके मतलब साथ में ले आए। ईश्वरदास जी साथ उमादे को ले आए, किसको ले आए, साथ ले आए उमादे को। आ भी जाती है, और जैसे ही साथ आ रही थी, जगह पहुंची थी कोशाणा, और कोशाणा में इनकी मालदेव की जो योद्धा, कहाँ से आ गया, योद्धा नहीं, राव मालदेव है ना, राव मालदेव की और भी पत्नी थी। राव मालदेव की क्या थी, और भी पत्नी थी। तो एक तो थी लाछल दे, एक कौन थी, लाछल दे, और एक थी स्वरूप दे, एक कौन थी, स्वरूप दे, ये भी थी। जैसे ही पता चला कि उमादे आ रही है, तो उमादे को लौटाने के लिए इन्होंने आशा बारट को भेजा। और आशा बारट कोसाना पहुंचता है, कोसाना में उमादे आ गई थी। और जैसे ही उमादे आई, उसने आशा बारट ने एक दोहा बोल दिया कि मान रखे तो पीव तज रख मान, और दो गंदे ना बंद ही एक एक खंबे ठान। मतलब इसका ये हुआ कि एक खंबे से दो हाथियों को नहीं बांधा जा सकता। मतलब ये हो गया कि या तो तुम सम्मान को अपने साथ रखिए या अपने पति को अपने साथ रखिए, दोनों चीजें एक साथ नहीं रह सकती। इस प्रकार से उमादे यहाँ से चलती है, कोशाणा से लौट जाती है उमादे, और दत्तक पुत्र राम के पास में पहुंच जाती है। दत्तक पुत्र और किसके पास पहुंच गई, राम के पास पहुंच गई। और राम कहाँ रहता था उस टाइम, गुंदोज पाली, कहाँ रहता था, पाली पहुंच जाती है। कौन पहुंच जाती है, पाली, पाली पहुंच जाती है उमादे। इसके बाद क्या हुआ, फिर आगे की घटना की बात करते हैं। इसके बाद हुआ कि 1538 ईस्वी में राव मालदेव ने सिवाणा को जीता। किसको जीता, सिवाणा को जीता। और सिवाणा का उस टाइम पर कौन हुआ करता था, तो ठाकुर डूंगर सिंह को हराया। किसको हराया, ठाकुर डूंगर सिंह को हराया, राव मालदेव ने इसको हरा दिया। अब हरा दिया तो किस पर अधिकार कर लिया, अधिकार कर लिया सिवाणा पर, यानी कि सिवाणा को भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। इसके बाद में इसी टाइम पर जालौर, ये जगह पड़ती है ये जालौर, और जालौर का कौन था, तो जालौर का था सिकंदर खां। कौन था, सिकंदर खां पर भी इसने आक्रमण किया, और आक्रमण करके किसको जीत लिया, आक्रमण करके जालौर को भी जीत लिया। इस प्रकार से इसने जीतने का पूरे पूरे लगभग लगभग मारवाड़ पर इसने क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। इसके बाद फिर और एक घटना आती है। और कौन सी घटना आती है, इसके बाद आती है
1540 की घटना। 1540 में एक युद्ध होता है, मावली का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? मावली का युद्ध। और मावली के युद्ध की बात करूं तो मावली का युद्ध कब होता है? 1540 ईस्वी में। मालदेव स्पष्ट रूप से सामने नहीं है, हालांकि साथ देता है। किसका देता है? उदय सिंह का साथ देता है। मावली का युद्ध हुआ 1540 में, और किस किस के बीच में हुआ? हुआ तो उदयपुर के जो हुआ करते थे उदय सिंह हुआ करते थे, मेवाड़ के उदय सिंह के साथ में कौन था? उदय सिंह के साथ में था मालदेव। कौन था साथ में? मालदेव। और किसके विरोध में थे दोनों? दोनों विरोध में थे, मैंने आपको बताया, एक था बनवीर। कौन था? बनवीर। बनवीर का पिता कौन था यदि आपको याद हो तो? है ना, पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया का ये पुत्र था, तो दिया है ना। आपसे पूछ लेता है कि बनवीर की माता का नाम क्या था, तो पूतन दे। क्या नाम था? पूतन दे। ये वही बनवीर है जिसने विक्रमादित्य की क्या की थी? हत्या की थी। और 1540 में मावली का युद्ध हुआ उदय सिंह और बनवीर के बीच में, और इधर से ये क्या बनवीर मारा गया, और इधर ये उदय सिंह क्या हो जाता है? जीत जाता है। तब इसका क्या होता है? राज्याभिषेक होता है उदय सिंह का। इसके बाद में एक घटना और मिलती है, कब? देखो, हालांकि मालदेव से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मालदेव को जोड़ रही है कड़ी, तो उसी कड़ी में मैं ये चर्चा कर रहा हूँ कि एक युद्ध हुआ बिलग्राम का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? बिलग्राम। और बिलग्राम कन्नौज यूपी, कहाँ पर पड़ता है? कन्नौज उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब बिलग्राम का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? तो बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? पहले तो ये हुआ था 1540 ईस्वी में। कौन सा युद्ध हुआ है? बिलग्राम का युद्ध। एक साइड में कौन है? हुमायूं वर्सेस, और वर्सेस कौन है? शेर खां। कौन है? शेर खां। शेर खां पहले सरदार हुआ करता था, बाद में जब शेर खां ने किसको? हुमायूं को जीत लिया, तब इसने अपना नाम रखा। शेर खां ने अपना नाम बदला। क्या बदल दिया? नाम बदला। और बदला नाम क्या है इसका भाई साहब? नाम बदला और नाम रख दिया शेर शाह शूरी। ये इसने अपना क्या रख दिया? नाम रख दिया। अब ये शेर खां जो है, अब हम इसको किसके नाम से जानते हैं? शेर शाह सूरी के नाम से जानते हैं, है ना। और ये क्या कर जाता है? इस युद्ध को जीत जाता है। और जैसे युद्ध को जीता तो शेर शाह सूरी चाहता था कि हुमायूं भारत में ना रहे, इसलिए सभी राजाओं के पास संदेश भिजवा दिया कि कोई भी राजा इसके लिए क्या नहीं देगा? शरण नहीं देगा। यदि कोई राजा शरण देता है तो उस राजा पर मैं स्वयं आक्रमण करूंगा। चाहे तो वो राजा ऐसा कर सकता है, शरण दे करके इसको मेरे पास भिजवा दे, और यदि ऐसा नहीं करता है तो मैं स्वयं उस पर आक्रमण करूंगा, है ना। अब ये 1540 का युद्ध हुआ, और इसमें किसकी हार हो गई? इसकी हार हो गई। जैसे ये आगाज किया शेरशाह सूरी ने कि कोई इसको शरण नहीं देगा, तो ये मिलता है किससे? ये हुमायूं मिलता है, और हुमायूं मिला, और हुमायूं किससे मिला? हुमायूं मिला है मालदेव से। किससे मिला? मालदेव से मिला। और जब ये मालदेव से मिला तो मालदेव से कौन सी जगह पर मिला, स्थान कौन सा है? और स्थान है भाई साहब, स्थान का नाम जोगी तीर्थ। कौन सा तीर्थ है? जोगी तीर्थ। और जोगी तीर्थ कहाँ पर है? ये महादेव मंदिर है, और महादेव मंदिर जो है ये कहाँ पर है? ये है भाई साहब जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। इस प्रकार से इनका मिलन होता है, किस किस का? राव मालदेव का और हुमायूं का। अब मालदेव ने हालांकि इसको शरण नहीं दी, पर फिर भी मिला तो था। अब इस बात का पता चल जाता है, बीकानेर का एक तो हुआ करता था राव कल्याणमल, और एक हुआ करता था मेड़ता का। मेड़ता इसने जीत लिया था मालदेव ने, तो मेड़ता का कौन हुआ करता था? बीरमदेव, है ना। अब देखिए अगले स्टेप में चर्चा कर देता हूं इस बात की कि एक युद्ध होता है पाहेवा का युद्ध, जिसको हम पाहेवा या एक नाम और मिलता है कौन सा? साहेबा के नाम से जानते हैं। पाहेवा या साहेबा के नाम से जानते हैं। और युद्ध कब हुआ? तो 1541 ईस्वी में। युद्ध कब हुआ? 1541 ईस्वी में युद्ध होता है। अब ये पाहेवा या साहेबा का युद्ध जो होता है वो किस किस के बीच में होता है ना? एक साइड में तो है यहाँ पर राव मालदेव और वर्सेस विरोध में जो है वो कौन है? वो है यहाँ पर बीकानेर का। और बीकानेर का कौन है? कल्याणमल। कहाँ से है? बीकानेर, है ना। ये अब राव मालदेव और कल्याणमल के बीच में युद्ध हुआ, और जीत कौन जाता है इसको? जीत जाता है भाई साहब राव मालदेव। इसके साथ में और था कौन? था साथ में था इसके
सेनापति था इसका साथ, और साथ में था कौन? कुंपा। कौन था? कुंपा। और जब जीत जाता है इसको, तो जीतने के बाद में कुंपा को बीकानेर सौंपा। किसने सौंप दिया? ये सौंप दिया साहब, मालदेव ने सौंप दिया, है ना। और यहां से कल्याणमल निकलता है, और कल्याणमल कहां पहुंच जाता है? पहुंचा। कल्याणमल कहां पहुंचा? ये पहुंच जाता है भाई साहब शेर शाह सूरी के पास। पहुंचा शेर शाह सूरी के पास, पहुंचा सूरी के पास। और कौन पहुंचा? और राम मालदेव का एक विरोधी और था बीरमदेव, वो भी साथ साथ पहुंच गया, है ना, पहुंचा। और ये बीरमदेव दोनों के दोनों पहुंच गए किसके पास में? पहुंचा शेरशाह सूरी के पास में, ये दोनों पहुंच गए। और दोनों ने जाकर के खबर दी कि तुम्हारे विरोधी हुमायूं को शरण किसने दिया? शरण दिया राव मालदेव ने। और ये खबर जैसे ही शेरशाह सूरी को पता चली, तो शेरशाह सूरी ने मालदेव के पास में पत्र भेजा कि तुमने मेरे दुश्मन को शरण दी, इसलिए मैं तुम पर आक्रमण कर रहा हूं। और फिर अब युद्ध होगा, कौन सा? गिरी सुमेल का युद्ध। कहीं कहीं आपको गिरी सुमेलू का युद्ध मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको जैतरण का युद्ध मिल जाएगा। जैतरण में गिरी सुमेल दोनों जगह पड़ती हैं, दोनों जगहों के नाम है गिरी और सुमेल, इसलिए इसको जैतरण का युद्ध भी कह देते हैं। तो वो युद्ध होता है, और वो युद्ध कब होता है? वो युद्ध होता है, देखिए, गिरी सुमेल का युद्ध। और गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ? तो 1544 ईस्वी में। कब हुआ? 1544 ईस्वी में। अब किस किस के बीच में हो रहा है, तो देख लीजिए, इधर राव मालदेव है, राव मालदेव, और सेनापति के रूप में आपको पता ही होगा एक तो था कौन? जैता, और एक कौन था? कुंपा। दो सेनापति थे इसके मुख्य रूप से, और एक और हुआ करता था साथ में, था अखेराज जी भी साथ में थे। इसके विरोध में खड़े थे ये खड़ा, एक तो है यहाँ पर है शेर शाह सूरी, ये तो है ही है। इसके बाद में इसका सेनापति जो है, सेनापति एक है जलाल खां हलवानी, एक है दूसरा खवास खां, और एक है इधर इसका लेखक का भी काम कर रहा है साथ साथ, लेखक है अब्बास खां। कौन है? अब्बास खां सरवानी, है ना। पुस्तक लिखी है इसने, और पुस्तक है तारीख ए शेरशाही, तारीख ए शेरशाही में इस युद्ध का वर्णन मिलता है, है ना। और कौन है? देखो, इधर बीकानेर से है एक तो, और बीकानेर से कौन है? कल्याणमल। ये तो साथ देगा ही देगा, कल्याणमल, ठीक है। और कौन है? बीरमदेव। कौन है? बीरमदेव, दोनों है। बीरमदेव कहां से है? सॉरी, बीरमदेव कहां से है? मेड़ता से। ये अब इन दोनों के बीच में युद्ध होने के, ये पूरा युद्ध होगा। देखिए, पहले थोड़ी सी और चर्चा कर लेता हूं। ये जो गिरी सुमेल है ना, गिरी में इसने अपना कैंप लगाया, गिरी गांव में कैंप इधर लगाया। और इधर से शेरशाह सूरी ने जो गांव चुना, वो सुमेल गांव चुना था। कौन सा? सुमेल गांव। दोनों के दोनों पाली में पड़ते हैं। सुमेल गांव में इसका कैंप है शेरशाह सूरी का, और इधर से किसका कैंप है? इधर से है मालदेव का कैंप। अब क्या किया कि शेरशाह सूरी को पता था कि मैं मालदेव को ऐसे नहीं जीत पाऊंगा, कुछ ना कुछ चालाकी करनी पड़ेगी। और शेरशाह सूरी ने वही चालाकी की। क्या किया कि शेरशाह सूरी ने कल्याणमल को अपने पास बुलाया और बीरमदेव को अपने पास बुलाया। उसने कहा कि इसके पास में कितनी सेना है, पूरी पहले जानकारी ली, और जानकारी लेने के बाद में कल्याणमल और बीरमदेव ने कहा कि मालदेव को हराना ऐसी बात नहीं, बड़ा भारी पड़ेगा। तो उसने कहा कुछ ना कुछ चालाकी करनी पड़ेगी, और ऐसे ही चालाकी की। कल्याणमल के लिए शेरशाह सूरी ने 20,000 फदिये दिए, और 20,000 फदिये कल्याणमल ने जाकर के किसको दे दिए? जैता को दे दिए कि तुम्हें क्या लाना है, तुम्हारे यहाँ पर से तलवार लेकर के आनी है। ऐसे ही
वीरमदेव ने क्या कह दिया कि वीरमदेव ने कह दिया कूपा से कि तुम्हें यहां से कंबल लेकर के आना है। तो दोनों के लिए तलवार और कंबलों के लिए पैसे भिजवा दिए, 20,000 फदिए। और राम मालदेव के पास में शेरशाह सूरी ने एक जाली पत्र डलवा दिया, और वो जाली पत्र था किसके नाम, जैता और कूपा के नाम। इन्होंने इस पत्र में लिखा था कि सुबह होते ही मालदेव को क्या कर देना, तुम्हें मार देना है, मैंने धनराशि तुम्हारे कैंप में पहुंचा दी। ये पत्र किसके पास पहुंचा, राम मालदेव के पास। राम मालदेव को ऐसा लगा कि भाई चंद से पत्र मुझे नहीं मिलते तो शायद मेरी हत्या हो जाती सुबह। लेकिन ये बात गलत थी। ये बात जब राम मालदेव ने ये बात चेक करी कि जैता और कूपा के दोनों के कैंप चेक करवाए तो उनको 20,000 रुपये मिल जाते हैं, फदिये मिल जाते हैं। और जैसे उनको मिला तो वो तुरंत अपनी सेना लेकर के यहाँ से लौट जाता है, जोधपुर पहुंच जाता है। अब यहाँ पर मात्र 8,000 सैनिकों के साथ में, मात्र कितने 8,000 सैनिकों के साथ में जैता और कूपा रह जाते हैं। जैसे ही सुबह जैता और कूपा को पता चला कि मालदेव तो अपनी सेना को लेकर के चला गया है, लेकिन कुछ विश्वस्त सैनिक इनके जैता और कूपा के रह गए थे कि नहीं, जैता और कूपा कभी धोखा नहीं दे सकते, तो मारवाड़ के लिए तो कभी धोखा नहीं दे सकते। इस तरीके से जैता और कूपा ने क्या किया, निर्णय किया, जो ये युद्ध होने हुआ था 4-5 जनवरी को, ये घटना जो क्रम था ये 4 जनवरी को हो चुका था। 5 जनवरी के दिन क्या हुआ है, युद्ध हुआ है। अब देखिए युद्ध कैसे हुआ, दोनों के बीच में मालदेव तो यहां से चला जाता है, मालदेव राव मालदेव मालदेव लौटकर जोधपुर चला गया। ये तो जोधपुर चला जाता है, गया कोई बात नहीं है। अब रहता कौन है सुमेल गिरी में, तो रहता है गिरी सुमेल में कौन कौन रह जाता है, एक तो जैता है और एक कौन है, एक है कूपा। और इधर से शेरशाह सूरी तो है ही है, शेरशाह की पूरी सेना है, शेरशाह सूरी इसकी तो पूरी सेना है, सेना के साथ में है। मैंने पूरे सारे नाम लिख रखे वो वहां पर लिखे। तो इनके बीच में युद्ध हुआ, घमासान तरीके से युद्ध हुआ। जैता और कूपा ने पूरा जोर लगाया और सेना जीतने में थी। इसका जो अब्बास खान सरवानी है वो लिखता है कि दोपहर तक युद्ध को जीतने की संभावना थी और जीतने को जा रहे थे जैता और कूपा। जैसे युद्ध जीतने जा रहे थे जैता और कूपा, तो शेरशाह सूरी ने जाजम बिछा करके क्या किया, जाजम बिछा करके इबादत करने लग गया। और वही अपने धर्म की खासियत, वही धर्म की खासियत सामने आ जाती है कि कोई इबादत कर रहा हो, कोई भगवान की पूजा पाठ कर रहा हो तो उस पर हाथ तक नहीं उठाते, ये तो तलवार की बात थी। तो जैता तलवार लेकर के जाता है शेरशाह सूरी के पास में, वार करने का प्रयास करता है। इतने में इबादत करने शेरशाह सूरी बैठ जाता है, और जैता जैसे ही वेट करता है कि अब खड़ा होगा, उतने में जैता को शेरशाह सूरी के सैनिकों ने मार दिया। अब जैसे ही जैता और कूपा दोनों मारे जाते हैं तो इसके मुंह से एक शब्द निकलता है, बात निकलती है कि मैं मुट्ठी पर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के बादशाह को देता है ना। कथन, इसका कथन याद रखना है, कई बार पूछा गया है कथन शेरशाह सूरी का, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए, मुट्ठी भर बाजरे के लिए, बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह को देता, हिंदुस्तान की बादशाह को देता। ये शब्द किसके मुंह से निकले, ये शब्द निकले हैं शेरशाह सूरी के मुंह से, है ना। शेरशाह सूरी आखिर में इस युद्ध को जीत जाता है। जीत किसकी हो जाती है, शेरशाह सूरी की। और दोनों जैता और कूपा किसको शहीद हो, ये वीरगति को प्राप्त हो गए। जैता और कूपा किसको प्राप्त हो गए, वीरगति को प्राप्त हो गए, शेरशाह युद्ध को जीत जाता है। अब शेरशाह सूरी जैसे युद्ध को जीत जाता है, वो कथन आपको याद रखना है। अब इसने क्या किया कि जो बीकानेर था, बीकानेर किसको सौंपा, बीकानेर सौंपा, तो बीकानेर तो सौंप दिया इसने, बीकानेर सौंपा कल्याणमल को। लो भाई कल्याणमल, तुमने बहुत साथ दिया है मेरा, तो कल्याणमल के लिए दे दिया। इधर से मेड़ता, और मेड़ता को भी सौंप दिया, मेड़ता को सौंपा इसने, और मेड़ता को किसके लिए सौंपा, मेड़ता के लिए, मेड़ता को सौंप दिया किसके लिए, वीरमदेव के लिए, वीरमदेव के लिए। लो वीरमदेव देव तुम्हारे लिए अपना, तुम्हारा जो है मेड़ता ले लो। इसके बाद में जोधपुर पर अधिकार कर लेता है शेरशाह सूरी, अधिकार करता है किस पर, अधिकार करता है, अधिकार किया इसने जोधपुर पर। और जोधपुर पर अधिकार किया तो इसने इसको खवास खां को सौंप दिया, किसको सौंपा, खवास खां को सौंपा, किसको सौंप दिया, खवास खां को सौंपा। अब ये 1544 की बात थी, है ना, जनवरी की बात थी, 4-5 जनवरी को युद्ध हो गया, और उसको क्या कर लिया उसने, शेरशाह सूरी ने अपने कब्जे में ले लिया जोधपुर को, और खवास खां को सौंप दिया। ऐसा हुआ कि इसको कलिंजर अभियान पर, इधर कलिंजर अभियान पर जाता है, कालिंजर अभियान, कालिंजर अभियान, और कालिंजर अभियान पर जाता है कौन, शेरशाह सूरी। किस पर जाता है, कालिंजर अभियान पर जाता है। और शेरशाह सूरी जैसे ही कालिंजर अभियान पर जाता है, कालिंजर का उड़ीसा,
उड़ीसा यहां पहुंचता है, और जैसे यहां पर पहुंचा इसने दुर्ग को घेरा दिया। कौन से दुर्ग को घेरा? कालिंजर दुर्ग को घेरा, कालिंजर को घेरा, और चारों तरफ इसके क्या बिछाई? बारूद बिछाई, बिछाने का प्रयास चल रहा था, लेकिन यहां पर जहां पर बारूद रखी थी तो बारूद के ढेर में क्या लग गई? बारूद में लग गई आग, और बारूद में क्या लग गई? लगी आग। और जैसे ही आग लगी तो शेरशाह सूरी भी वहीं थे, शेरशाह सूरी जैसे बारूद भड़की और साथ साथ में कौन भटक गया? शेरशाह सूरी भी भटक गया, मतलब क्या हो गया? ये मारा गया। कौन मारा गया? मारा गया, ये भी शेरशाह सूरी भी मारा गया। जैसे ही शेरशाह सूरी मारा गया, मालदेव को पता चला, मालदेव जोधपुर से मेड़ चला गया था सेवाना, और सेवाना वहां रहा, और सेवाना से फिर जैसे ही पता चलता है शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई, खवास खां को हराया और दुर्ग को पुनः जीत लिया, है ना। मालदेव, मालदेव ने पुनः इसकी मृत्यु के बाद, पुनः शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद मालदेव ने शेरशाह शेरशाह की मृत्यु के बाद जोधपुर को, जोधपुर पर अधिकार कर लिया। पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। ये बात भी आपको साथ साथ याद रख लेनी है ना। इसके बाद फिर इसके बाद और एक यहाँ पर चलते हैं कि जब मैंने आपको एक युद्ध बताया था, मावली का युद्ध उदय सिंह के साथ में लड़ा था, है ना, अब की बार में ये उल्टा हो गया है। इसने क्या किया कि जो उदय सिंह था, उदय सिंह के साथ पहले तो मावली के युद्ध में 1540 में देता है, अब 1540 में उसका साथ देता है, तो इसके बाद में एक युद्ध और पड़ता है, और कौन सा युद्ध पड़ता है तो वो भी युद्ध आपको बताते हैं कौन सा युद्ध पड़ता है। इन युद्धों में कई कई चीजें ध्यान रखने वाली हैं, वो भी आपको साथ साथ याद रख लेनी है, है ना। जब मैंने कहा कि मालदेव जो था, मालदेव की एक मतलब उसके पास में जाता है अजमेर साइड में, अजमेर साइड में एक रंगराय नाम की एक नृत्यका हुआ करती थी, उस नृत्यका के चक्कर में हुआ था ये युद्ध, ये भी साथ साथ आपको याद रख लेना है। इन युद्धों को सारे युद्ध मैंने सिस्टमेटिक बताए थे आपके लिए, है ना। मैंने 32 में बताया था, 32 के बाद में फिर मैंने कहा 33 में आया हीरावाड़ी का युद्ध, फिर इसके बाद में 35 में मैंने इसके शादी की बात करी थी, फिर इसके बाद में 38 की मैंने चर्चा करी थी, उसमें भी हुआ था, और इसके बाद में फिर मैंने आपसे चर्चा करी थी कि भाई ये युद्ध सारे के सारे जो हैं, है ना, इन युद्धों में सारी चर्चाएं कर ली थी मैंने। फिर मैंने गिरी सुमेल के बारे में बात करी कि गिरी सुमेल में कितने कितने कैसे कैसे युद्ध हुए, सारी चर्चाएं करी, और सारी चर्चाओं के बाद में मैंने फिर मैंने कहा था कि इसने क्या किया था, देखिए। और निर्माण कार्यों की और बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं, इनके क्या निर्माण कार्य हैं, निर्माण कार्यों की भी चर्चा कर लेते हैं। इन्होंने किसका, एक तो सोजत दुर्ग का क्या करवाया? निर्माण करवाया। सोजत दुर्ग का क्या करवाया? इससे पहले एक युद्ध की बात कर रहा था ना मैं, हाँ युद्ध, हरमाड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध? हरमाड़ा का युद्ध, हाँ वो युद्ध दिमाग से निकल रहा था, हरमाड़ा का युद्ध, हरमाड़ा का युद्ध। और हरमाड़ा का जो युद्ध हुआ वो कब हुआ? 1557 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1557 ईस्वी में। किस किस के बीच में था हरमाड़ा का युद्ध? तो हरमाड़ा का युद्ध था, एक तो थे, एक साइड में तो थे उदय सिंह, कौन था? उदय सिंह। और वर्सेज में था, और वर्सेज में कौन था? तो वर्सेज में था हाजी खां, कौन था? हाजी खां पठान, है ना। इसका साथ अब की बार राव मालदेव ने दिया है, किसने दिया? राव मालदेव ने, है ना, राव मालदेव ने दिया है। कारण याद रखना चाहे तो रख लेना, भले ही ना रखो तो कोई बात नहीं है। कारण था नृत्यका, और नृत्यका कौन थी? नृत्यका थी नृत्यका, और नृत्यका थी कौन? रंगराय, रंगराय। इसके चक्कर में युद्ध हुआ था, कोई खास बात नहीं है, याद रख लेना, थोड़ी सी बात है। मैं बात करता हूँ इनके निर्माण कार्यों की, बात करता हूँ निर्माण कार्यों की, क्या क्या चीज का निर्माण करवाया इन्होंने, तो वो भी बात कर लेते हैं। निर्माण, निर्माण तो निर्माण में बात आती है, एक तो सोजत और दुर्ग, सोजत दुर्ग कहाँ पर है? पाली में। एक मालकोट दुर्ग का निर्माण करवाया, मालकोट दुर्ग,
और मालकोट दुर्ग कहां पर है? मेड़ता, है ना। इसके बाद में पोकरण दुर्ग का निर्माण करवाया, पोकरण दुर्ग, और पोकरण दुर्ग का निर्माण करवाया, पोकरण कहां पर है? जैसलमेर में। इसके बाद में नागौर का, नागौर दुर्ग का, नागौर दुर्ग, और नागौर दुर्ग का क्या करवाया? पुनः निर्माण, पुनः निर्माण, पुनः निर्माण करवाया। ये भी साथ साथ याद रख लेना। इधर से बात करता हूं, मैंने इनके पुत्रों के बारे में और बात करनी है। राव मालदेव, राव मालदेव, राव मालदेव, है ना। एक तो पुत्र है इनका, क्या नाम है? राम। दूसरा है कौन सा? उदय सिंह। और तीसरा कौन सा है? राव चंद्रसेन, राव चंद्रसेन, है ना। राम की माता का नाम, राम की माता का नाम है लाछल दे। क्या नाम है? लाछल दे, है ना। कछवाई रानी थी, कछवाही, ये कछवाही रानी थी। इधर से उदय सिंह, और जो ये है रामचंद्र सेन, इसकी माता का नाम है स्वरूप दे। क्या नाम है? स्वरूप दे, स्वरूप दे, है ना। इसको फलौदी की जागीर दी। कहाँ की जागीर दे दी इसको? फलौदी की जागीर। स्वरूप दे के कहने पर शासक किसको बनाना चाहता था? राव मालदेव, राव मालदेव, राव चंद्रसेन को बनाना चाहता था। और शासक बनेगा कौन? शासक बनेगा राव चंद्रसेन। ये भी आपको साथ साथ याद रख लेना है। इधर से बात करते हैं, राव मालदेव की जो मृत्यु होती है, वो मृत्यु हो जाती है 7 नवंबर, और 7 नवंबर और कब? 1562 ईस्वी को, 7 नवंबर 1562 को। इसकी एक जो रानी थी, मैंने आपको नाम बताया था, बताया था उमादे या उन्मादे। उन्मादे इसके साथ, इसकी पगड़ी के साथ क्या करती है? अनुमरण करती है ना। पगड़ी के साथ अनुमरण, पगड़ी के साथ सती, है ना। कौन होती है? उमादे, उमा दे क्या करती है? अनुमरण, अनुमरण। जब पति के साथ ना सती होकर के किसी वस्तु के साथ में सती हुआ जाता है, उसको बोलते हैं क्या? अनुमरण। तो ये मैंने राव मालदेव की बात करी, मैंने छोटी छोटी घटना, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी घटना सबके बारे में चर्चा करी है। धन्यवाद। फिर अगली वीडियो के साथ में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।